आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज़ में हम बात करेंगे सूबे जम्मू के हवाले से। नाज़रीन, ज़िला डोडा के बदरवा इलाके में फोर्सेस की जानिब से तलाशी कार्रवाई ताहाल जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शब बदरवा में नामालूम मुसल्ला अफराद की जानिब से किए गए हमले में आर्मी के 5 जवान और 1 SPO जख्मी हुआ था। ताहम इलाके में हमलावरों को ढूंढने के लिए तलाशी कार्रवाई बदस्तूर जारी है। इधर ADGP जम्मू आनंद जैन ने बदरवा में हुए हमले के बारे में जराए से बात करते हुए कहा कि जड़फ के दौरान मारे गए अस्करित पसंद हीरानगर हमले में मुलव्वस थे। इस दौरान उनका मजीद कहना था, रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी CRPF पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया, अभी ऑपरेशन हुआ जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन कबल दहशतगर्दों ने यात्रियों से भरी बस को अपना निशाना बनाया, जो कि अफसोसनाक था। ताहम उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि इंतजामिया पुरअज़्म है दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए। 3 दिन पहले रियासी में मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया, उससे कला जगत साहित्य समाज का हर एक वर्ग व्यथित है और सबके मन में गुस्सा है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं और आज इस मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। सूबे जम्मू में दहशतगर्दाना हमले के हवाले से बात करते हुए उन्होंने यूं कहा, Terrorism is not going to end unless there is understanding between the two nations. Terrorism will continue and we have to face it. Tragedy is innocent people are killed. कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट ने पिछले चंद दिनों से लगातार जम्मू खित्ते में दहशतगर्दाना हमलों पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि उन्होंने गुज़िश्ता शब सूबे जम्मू में हुए हमले की सख्त मजम्मत भी की। मिलिटेंसी कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन 35 साल से खत्म हुई नहीं। लेकिन आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि हमने खत्म की मिलिटेंसी, हालात बहुत ठीक है, टेररिस्ट इंसिडेंट कोई हो नहीं रहा है, तो ये हो क्या रहा है फिर? इस बात का जवाब तो देना प्राइम मिनिस्टर। यहाँ ईद उल अज़हा के मौके पर मौसम अमूमन खुशक रहने का इम्कान है। GK TV से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद का यूं कहना था, खासकर 18 तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं, फिर 13-14 के बीच में एक फीबल WD के कारण कुछ एक जगहों पे थंडर शावर एक्टिविटी हो सकता है। कोई मेजर स्पेल लगभग 18 तक नहीं है और ईद के दौरान भी जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं, लेकिन बाद दोपहर जो थंडर शावर एक्टिविटी कुछ एक जगहों पे रहता है उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। फिर 19, 20, 21 के आसपास फिर से जो है इंटरमिटेंट स्पेल बारिशों का रह सकता है, बीच बीच में क्लाउडी, बीच बीच में सनी, तो थोड़ी से बारिशों के चांसेस हैं 19, 20, 21 के आसपास। बाकी 18 तक जो है कोई मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया, जबकि मौके की मुनासिबत से उन्होंने शहर श्रीनगर के मजाफात पांता चौक में कायम यात्री निवास का भी मुआयना किया। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में महकमा हेल्थ की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई है। नामा निगारों से बात करते हुए डायरेक्टर हेल्थ का मजीद कहना था, चंद्रमाड़ी एंड भालथल और हर एक में सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज रहेगी, विज़ाइज मैन पावर, इक्विपमेंट, मेडिसन, हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी। आज भी हमारा एक फुल फ्लेज टीम वहाँ गया है जो हमारी फैसिलिटीज़ अप टू होली केव तक देखेंगे, हमने ऑलमोस्ट वो एस्टेब्लिश करी है और तैयारियाँ जोरों शोर से चल रही। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज जिला कठुआ के डंगारा में कोकून ऑक्शन बाजार का जायजा लिया,
जबकि इस मौके पर उन्होंने कोकून ऑक्शन मार्केट में जारी इंतजामात का भी मुआयना किया। फिलहाल इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप जीके टीवी देखते रहिए।